country to see that India will play fair, India will play hard, sir. Thank you very much. Thank you, Sri Krishna ji. Now, Mr. Ram Mohan Naidu. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस एंटी डोपिंग बिल पे बोलने का मौका दिया है। मैं तेलुगु देशम पार्टी से एंटी डोपिंग बिल के समर्थन में मैं खड़ा हूँ, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा मंत्री जी को, जो खेल की व्यवस्था को एक सही दिशा में आगे लेके जाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम सब साथ में रहेंगे और सब समर्थन भी करेंगे। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और बहुत ही आवश्यक है आज लेके आने के लिए। जो स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े हैं अभी हमारे, 2015 से लेके 2017 तक विश्व में तीसरे पोजीशन पे था भारत। उस टाइम पे लगभग 57 पॉजिटिव केसेस थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2018 में 117 पॉजिटिव केसेस हुए, 2019 में 255 केसेस हुए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आज भी थोड़ा दुख की बात है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसमें भी लगभग 10 खिलाड़ी फेल हो गए हैं जो डोप टेस्ट है। तो बहुत ही आवश्यक है, इसको लेके आने की ज़रूरत तो बहुत ही है। और बहुत डिलिब्रेशंस के साथ भी, सेलेक्ट कमिटी के बाद बहुत ही लीगल एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स, सबके साथ डिस्कस करने के बाद ये बिल लेके आए। पर उसके बावजूद भी 2-3 ऐसे सुझाव हैं जो मैं आपके ज़रिए मंत्री जी को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बहुत ही लोगों ने, सदस्यों ने भी मेरे से पहले जो बोल रखे हैं, उन सब ने भी ये बात उठाई है, जो डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट या उसको जो निकालने के तरीका जो है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है केंद्र सरकार की, वो डेफिनेटली वो कम होनी चाहिए या बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज़ वॉट द वाडा ऑल्सो सजेस्ट, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी है वो भी यही सजेस्ट करता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको चलना चाहिए। उसमें मिनिमम गवर्नेंस इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि वो अपने काम सही तरीके से बिना कोई इन्फ्लुएंस के साथ वो करे। और वाडा को क्यों इम्पोर्टेंट हम लेना चाहिए, क्योंकि एक देश ने इसी तरह वाडा के जो सजेशंस थे उसको अगर नकारा तो उनको पूरे ओलंपिक से ही बैन हो गए वो रशिया। तो इसलिए हमें वाडा को बिल्कुल ध्यान में रख के कोई भी अगर निर्णय हम लेंगे तो ज़रूर उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो राय है, हमें ज़रूर पॉजिटिवली लेना चाहिए। सर, इसके बाद दूसरी जो बात है, अभी क्रिमिनल PCCRPC भी हमने ऐड किया है इसके ऊपर, तो इस ये बिल क्लॉज 19 भी सजेस्ट करता है कि नाडा कैन एंटर सर्च एंड सीज फॉर एंटी डोपिंग एक्टिविटीज अंडर CRPC। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट दिस काइंड ऑफ क्लॉज विल नॉट बी मिसयूज्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिसर्स। Will they be given any legal warrants before they are searching any player or not? That kind of clarification I would like from the Honorable Minister, sir. Sir, other than this, ek aur important baat jo main rakhna chahunga, National Dope Testing Laboratory. Pehle aisa hota tha ki jo NDTL India ka jo National Dope Testing Laboratory tha, wahan pe 6 cases aise unhone test kiya jo negative aaye. Phir baad mein Montreal, Canada mein ek testing facility ko jab unhone bheja to wahan pe positive aaye. तो इस तरह के काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे जहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर टेस्टिंग हो रहा था तो नेगेटिव आ रहे थे, कहीं और दूसरे लैब में अगर उसको करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसा क्या बदला? अभी तो ज़रूर ये लैबोरेटरीज़ को हम रिकग्नाइज करने के एक कानून तो लेके आ रहे हैं, पर ऐसा क्या बदलाव हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि इस तरीके के इंस्टेंसेस आगे हम रिपीट नहीं करेंगे? तो दिस क्लैरिफिकेशन ऑल्सो आई डेफिनेटली लाइक फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर सर। सर, द थर्ड पॉइंट दैट आई वुड वॉन्ट टू मेक, इसमें एथलीट को डिफाइन किया है, बट द ओनली कन्फ्यूजन दैट आई हैव राइट हियर इज इफ देर इज एनी प्लेयर, फॉरन प्लेयर हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री एंड कम्पीटिंग इन एन इवेंट इन इंडिया, विल ही बी अंडर द एम्बिट ऑफ दिस लॉ और विल ही बी अंडर देर ओन पेरेंट कंट्री लॉ? तो ये भी अगर, क्योंकि एथलीट को पूरी तरह से उसमें डेफिनेशन में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर बाहर के खिलाड़ी यहाँ पे आके इस देश में खेलते हैं क्या वो भी इस कानून के अंदर आते हैं कि नहीं आते, तो वो भी एक बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा सर। सर, इसके बावजूद सर मोर लाइक ए सजेशन जो बाकी लोगों ने भी दिया है, अवेयरनेस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन। हम भी देखते हैं कि ज़्यादातर प्लेयर दूसरे लोगों के प्रेशर में आने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे है स्पोर्ट्स में कि मेक इट और ब्रेक इट, एक ही तरीका है कि आप वो टॉप में रहना चाहते हो तो परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड है। तो
तो उस दबाव में आकर काफी लोग, कुछ लोग अनजाने में जाने में कुछ सजेस्ट करते हैं, तो उसके प्रभाव में आकर वो लोग इस तरीके के डोपिंग सब्सटेंसेस कुछ लोग यूज करते हैं परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, बट नॉट विद अ नेगेटिव इंटेंशन। तो ज़रूर इसको टैकल करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे पहले भी स्पीकर्स बोल चुके हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए सर। सर टू अरे पॉइंट आ गए। यस यस आई नो सर, बट फ्रॉम माय पार्टी आल्सो आई हैव टू मेक सर ऑल योर पॉइंट्स हैव कम। टू मोर पॉइंट्स, आई विल जस्ट क्लोज इट सर। द अदर पॉइंट, वी आर सीइंग द स्पोर्ट्स कॉम्पिटेंस ऑफ आर नेशन बाय लुकिंग एट द मेडल्स वी विन। सारे विश्व के कॉम्पिटिशन्स देखते हैं कितने मेडल आए, तो उस हिसाब से हमारे देश का स्पोर्टिंग अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। पर अगर सही तरीके से हम अपने कॉम्पिटेंस को, स्पोर्ट्स कॉम्पिटेंस को अगर देखना चाहेंगे, तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा सर, गांव-गांव में देखना पड़ेगा, हमारे स्कूल्स में देखना पड़ेगा किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बन रहा है, किस तरह से बच्चे वहाँ पर स्पोर्ट्स में जुड़कर वो अपने दिल से वहाँ पे खेल में वो शामिल हो रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा सर। तो इसके लिए मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में भी इम्प्रूव किया जाए। जब वो शुरू करेंगे हम, तो ज़रूर उसके प्रभाव से हम ये इंटरनेशनल लेवल पे वो मेडल्स हम आगे देख पाएंगे सर। तो वी हैव अ डिस्कशन इन अंडर रूल 193। यस यस, बट आई डोंट नो इफ इट विल कम और नॉट, सो आई विल जस्ट मेक द पॉइंट। इट इज बीइंग लिस्टेड एवरी डे। इट विल कम। आई थॉट ओनली द रिप्लाई इज पेंडिंग इन दैट। ठीक, डिस्कशन होगा, देन आई विल सेव माय पॉइंट्स फॉर द लेटर सर। सो आई लाइक टू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आई सपोर्ट द बिल सर। थैंक यू राम मोहन नायडू जी। नाउ आई कॉल नवनीत।